पिछले 2 साल से कोरोना ने जिंदगी की वाट लगा रखी है और वर्क फ्रॉम होम करा करा के कंपनियों ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। टारगेट बढ़ा दिए और इंटरनेट और बिजली के पैसे भी हम ही भर रहे हैं। बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, दिन भर रोंदू सीरियल देखने पड़ रहे हैं। ओटीटी पर भी पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड ने बवासीर मचा रखी है। इसी बीच द फैमिली मैन ने आकर थोड़ी सी राहत दी है और फाइनली आपका स्वागत है द फैमिली मैन सीजन 2 के रिव्यू में। देखो भाई, नाम से तो फैमिली मैन है, लेकिन इस बार सवाल एक फैमिली का नहीं बल्कि लाखों फैमिलीज का है। इन सब फैमिलीज की किस्मत की चाबी हमारे श्रीकांत भाई के हाथों में है। इस बार खतरा थोड़ा इंटरनेशनल है। कहानी इस बार श्रीलंका में शुरू होती है, जहां पर कुछ लोग एक स्पेशल मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जहां गालियों का नहीं गोलियों का शोर सुनाई देता है। ये लोग खुद को फ्रीडम फाइटर समझते हैं, जो अपनी पहचान की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, खुद की ही गवर्नमेंट के साथ। जान लेनी हो या देनी हो, खून खराबे के इस खेल से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुद को कहते हैं सेवियर, जो अपनी सोच की रक्षा कर रहे हैं। अब फोकस मुंबई की ओर करते हैं, जहां पर गेम्स के रूल्स ही नहीं, श्रीकांत भाई ने तो गेम को ही पूरा चेंज कर दिया है। मार धाड़, गाली ग्लोच, ऐसी चीजें तो उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब उनका नया हथियार है कंप्यूटर और मिशन है अपने बॉस की कंपनी को ऊंचाई तक लेके जाना। जी हाँ, अपने श्रीकांत भाई की जिंदगी की 50% डोर उनके नन्हे मुन्ने गुसैल बॉस के हाथों में है, बाकी बची हुई 50% डोर उनके परिवार के कंट्रोल में है। फैमिली में बच्चे बड़े हो चुके हैं, यहाँ तक कि फीमेल चाइल्ड तो अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए भी तैयार है, और वो भी अपने नए नवेले बॉयफ्रेंड के साथ। और भाभी जी का गुस्सा तो अब चांद तक पहुंच चुका है, और उनके जानी दुश्मन श्री भैया घर से जाते तो हैं लेकिन घर वापिस आ जाते हैं। यानी फैमिली में टेंशन का माहौल ज्यादातर बना ही रहता है, और भागने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बस अब एक ही इंसान है जो श्री भैया को अपनी लाइफ से जोड़ के रखता है, जो है जेके, जो कि अभी किसी सीक्रेट मिशन के लिए चेन्नई में रुका हुआ है। जैसे पड़ोसी के घर में उछल कूद होती है तो अपनी एकदम गायब हो जाती है, वैसे ही हाल हमारे इंडिया और श्रीलंका के भी हैं। वे फ्रीडम फाइटर वाली तैयारियां और जेके आपस में कैसे कनेक्ट हैं, ये सारी चीजें तो आप शो देखकर ही पता करिए। बस इस सब में जो कॉमन चीज है वो है राजी। राजी इस लड़की की शक्ल को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, क्योंकि ये है एक स्पेशल सीक्रेट एजेंट जिसने झूठ का नकाब ओढ़ रखा है। राजी लोगों को स्वर्ग पहुंचाने में बहुत माहिर है, मतलब कि जैसे ही नजर हटी दूसरे ही पल आपकी सांसों पे फुल स्टॉप। राजी को इन शॉर्ट आप लोग लेडी यमराज भी बोल सकते हैं। एक फोर्थ एंगल और है, जो कि सात समुंदर पार लंदन में है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। बस यही खेल पाकिस्तान भी खेल रहा है। इन शॉर्ट समझ जाओ कि अपने देश पर अटैक होने वाला है, जिससे कि देश को बचाने के लिए फैमिली मैन को पुराने सुपर हीरो वाले अवतार में आना ही होगा, क्योंकि मेन विलेन है मैन ऑफ स्टील, हमारे एरोप्लेन भैया, जो आसमान में तबाही मचाने के ख्याल रखते हैं। बाकी राजी, जेके, श्रीलंका, चेन्नई, लंदन आपस में कैसे कनेक्ट हैं, ये आप लोग खुद ही पता लगाओ अमेज़न प्राइम वीडियो पर। वक्त है ये जानने का कि 1.5 साल तक के इंतजार का क्या फल निकला। 2019 में जिस फैमिली मैन को पहली बार देखकर ही मजा आ गया था, उतना अच्छा तो इस बार का फैमिली मैन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है, कि शो के जो मेकर्स हैं कुछ ज्यादा ही सेफ खेल गए हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज 101 बार सोच कर डाली गई हो। इस बार पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी वाले डायलॉग्स बिल्कुल मिसिंग हैं, जो कि सीजन 1 का कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर थे, क्योंकि लोग इस बात से रिलेट करते थे। दूसरी दिक्कत है लैंग्वेज। शो को ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाने के लिए 50% डायलॉग्स जो हैं वो हैं तमिल में, 30% इंग्लिश और 20% हिंदी, इन दोनों को मिला के 50%। अब 2019 का जो सीजन 1 था उसका सारा का सारा फैन बेस था हिंदी लैंग्वेज वाला, तो ऐसे में सबटाइटल पढ़ पढ़ कर लोगों को कहानी समझ तो आ जाएगी, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी गड़बड़ है शो की स्लो स्पीड। मेकर्स ने 1 से लेकर 7 एपिसोड तक इसकी कहानी को बेवजह खींचा है, और लास्ट में फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह शो खत्म करने के चक्कर में शो का फन जीरो, क्लाइमैक्स बिल्कुल ठंडा। लेकिन 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 अगर सीजन 1 को डिब्बे में बंद करके सीजन 2 को देखें तो थोड़ा खींचा हुआ तो है, लेकिन एक अलग तरह का एक्सपीरियंस दे जाता है। इसमें समंथा मैम की जो स्पेशल एडिशन है वे एकदम अलग है। इसने शो में 4 चांद लगा दिए हैं। इस शो में इनके 2 साइड नजर आते हैं, एक तो डरी हुई, कमजोर, लोगों से बचकर रहने वाली औरत,
और दूसरी बदले में अंधी एंजल ऑफ डेथ जो कि लोगों में मौत का तोहफा बांटती है। कमाल की बात यह है कि इनके डायलॉग शो में साइड एक्टर से भी कम है, लेकिन इनको शब्दों की जरूरत ही नहीं है, ये नजरों से ही बवाल मचा देती हैं। इतना टैलेंट रखती हैं ये अपने आप में। दूसरे हैं मनोज सर, जिनके बारे में तो क्या ही बोलें। मनोज वाजपेयी एक्टिंग के फील्ड के चैंपियन हैं। ये बात तो बहुत सारी मूवीज जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज प्रूफ कर चुकी हैं। इन जैसी नेचुरल एक्टिंग करने वाले लोग पूरी दुनिया में बहुत ही कम हैं। अब शो के बारे में बात करें तो श्रीकांत जैसा लाइट फनी करेक्टर और राजी जैसी डार्क करेक्टर की स्टोरी को एक साथ जोड़कर बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। दो अलग अलग नैरेटिव की स्टोरी को दर्शाने के लिए डायरेक्टर को एक सल्यूट तो बनता है। एक ऑफिसर जो कि एक हाथ में मेडल जो कि देश की रक्षा करने के लिए दिया गया है और दूसरे हाथ में परिवार को पकड़कर चलना चाहता है। एक बीवी जो कि पास्ट की गलतियों को छुपाकर आगे बढ़ना और परिवार को चलाना चाहती है, लेकिन जब भी मिरर में देखती है तो गिल्टी से नजरें नहीं मिला पाती। एक बेटी जिसे माँ बाप के अलग होने का सच पता है लेकिन अपना फ्यूचर किसी और के बीच में तलाश रही है। एक फाइटर जो दुश्मनों को मार कर बचपन से जलती हुई अपने मन की आग को शांत करना चाहती है। इसी तरह हर एक करेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। 9 एपिसोड के बाद श्रीकांत की फैमिली तो क्या दुश्मनों के चेहरे भी याद हो जाएंगे। तो शॉर्ट में बात की जाए तो द फैमिली मैन सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले ठंडा है, लेकिन बिना कंपैरिजन के देखा जाए तो पूरी रात में कंप्लीट करने से खुद को नहीं रोक पाओगे। मेरी तरफ से शो को 3.5 स्टार्स हैं। 1 स्टार श्रीकांत और राजी को शो में रेल की पटरियों की तरह इस्तेमाल करने के लिए, 1 स्टार स्विच वाले मूवमेंट्स के लिए, 1 स्टार देशभक्ति रिवेंज फन इन सब को एक ही शो में दिखाने के लिए, और आधा स्टार साइड एक्टर्स के जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो 1 स्टार लैंग्वेज के लिए कटता है, क्योंकि सबटाइटल्स पढ़कर लोग कहानी को समझ तो लेंगे लेकिन उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और द फैमिली मैन के रियल अवतार को बदलकर शरीफ बनाने के लिए, शो का असली फैक्टर पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, और हाफ स्टार 5 एपिसोड की स्टोरी को खींचकर 9 एपिसोड का करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा फैमिली मैन सीजन 2 का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये जरूर लिखें कि आपको ये शो कैसा लगा। हमारी तरह आपको भी थोड़ा ठंडा लगा या बहुत गर्म लगा, या पहले सीजन के मुकाबले इसको आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे। थैंक यू।